तुरंत मुंह के पलट गया तुरंत टोकरी पलट गई सबसे यही खतरनाक होगा। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये है बीस कोपड़ा, ये दादाजी ने बताया कि काट ले और सुसु करके अगर पलट जाएगा तो इंसान की मृत्यु तुरंत हो जाएगी, मतलब सब सांप ये जहरीले थे। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं चार सांप और एक बीस कोपड़ा, सबके सब जहरीले दादाजी ने बताया। दादाजी महान विभूति आपके सामने है, उनकी उम्र देख रहे हैं आप लोग, जिस चीज़ को आप लोग देख के डर रहे हैं ये छूते हैं, उसे अपने पास रखते हैं, बड़ी बात है कि नहीं। चलिए दादाजी और कुछ है? कुछ बस यही थे आटा सीधा। तो दादाजी एक बार आप बीन बजाते हैं थोड़ा सा, हम बजा सकते हैं इसको? आप बजाते कला हो पैसा कितना देना होगा, जो भी 10-20 हजार खर्च करो, खुलाओ पिलाओ, गुण सीखो। और कितना दिन आपके पास? जब आप फिट हो जाएं तब जो मन में हो जो इनाम दे दो। क्या लो गुरु, अभी तक आप कितने लोगों को सिखाया? ऐसा सिखाया तो बहुत चेलों को, हाँ वो पकड़ते पकड़ते पकड़ने छूट गया। ये नहीं, मंत्रों से सिर्फ आप ही निकालते हैं कि सब लोग निकालते हैं? ऐसे मंत्र से निकालने के लिए हमें कितना दिन सीखना पड़ेगा? ये मंत्र तो जल्दी पढ़े लिखों को याद हो जाएगा। अच्छा, मतलब उसकी कला तरीका समझना है, कुछ टाइम लगेगी उसमें, कम से कम एक साल तो जाएगा। हाँ हाँ, तो चलिए दोस्तों जो भी चीज़ ये लिए हैं इन सब चीज़ों से आप गुरगुर कराते हैं, और प्लीज़ आप मुझे बताइएगा ये आप खरीद। दोस्तों आप ये देख सकते हैं इसका नाम इंग्लिश में दोस्तों हम इंडियन रेड स्नेक बोलते हैं, डरिएगा नहीं आप आराम से बैठिए। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं पहले ये इंडियन रेड स्नेक ने मुझे बाइट किया, दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये बाइट किया और इसके काटने के बाद कुछ होता नहीं, लेकिन गांव में लोग दोस्तों समझ नहीं पाते हैं और उनको लगता है कि ये बहुत जहरीला है, ऐसे लोग मर जाते हैं सांप के नाम से। अब दोस्तों ये दादाजी एकदम सही और आपको एकदम क्लियर कट बताएंगे, अभी इन्होंने बताया था कि 2 घंटे में मृत्यु हो जाती है, काट लिया है और हमने काटा है, हमारी 2 घंटे में मृत्यु हो जाएगी। तो नहीं कह रहे मेरे सर के 2 घंटे में हो जाएगी, अभी तो आपने इसको बताया था कि नहीं? अच्छा, किसको बताया आपने? वो जानते बीस खोपड़े को, कह रहे थे कि मुंह दे। चलिए दोस्तों हम चलते हैं बीस खोपड़े से कटवाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, करीब से देखिएगा इसके फन के ऊपर इन्होंने बाल लगा के रखा है लोगों को गुमराह करने के लिए, है ना? सही बताइए। सही सही कह रहे हो सर। ये दोस्तों आप किसी भी सांपों के सर पे बाल नहीं होते हैं, हालांकि आप तो जानते हैं, आप बैठ सही आराम से, आपके दस हम आपके बच्चे की समाज आपको कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं इसके सर पे फेवी किक लगा करके ये बाल लगाया गया है, और दोस्तों किसी भी सांपों के सर पे बाल नहीं होता है। तो दोस्तों ये बाइट भी किया और इसके सर पे बाल भी लगे हैं, ये अजूबा आप शायद पहली बार देखे होंगे। तो जितने भी लोग हैं हमारे भारत में वो दोस्तों अंधविश्वास को फैलाते हैं बहुत तेजी से अपना पेट पालने के चक्कर में, बिल्कुल गलत बात है। आप बताइए किससे बाइट करवाया जाए? ये तो घर वाला है। अरे ये वो है वाइपर जो बताया था दादा। दोस्तों इसको बताया है दादाजी रसल वाइपर, अब एक बार मैं चाहता हूँ ये मुझे काट ले। अरे अब यही करोगे तुम सर तो आप सही से बता दोगे जहरीला नहीं होता? बताया तो रहे हैं, तो आप सही बता दो जहरीला नहीं होता, नहीं मैं तो सबसे कटवा के दिखाऊंगा। दादा जो कह रहे हैं उसका बात ये काहे मार रहा है बताओ, सही चीज बता दो, नहीं तो मैं सबसे कटवा के दिखाऊंगा। काट लेगा तो मर नहीं जाएंगे आप जिस तरह से बता रहे हैं, अब तो मैं मर ही जाऊंगा 3 घंटे में। भाई सही है कि गलत? तो आप ही बता दो कि जहरीला नहीं ऐसा। अरे आप ही की बस मान ले, हम कह रहे हैं कि वो उसका काटने से बदन फूल जाता है, बहुत मजे असर पड़ता है। नहीं नहीं बिल्कुल दोस्तों, इसके काटने के बाद कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ ब्लड निकलता है जैसे ये निकला है।
तो दोस्तों ये भी बिल्कुल जहरीला नहीं होता, इसको हम इंग्लिश में कॉमन सेंट बोआ के नाम से, गांव में इसे चीतर बोलते हैं। और